नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा एडवोकेट। आज मेरे द्वारा एक वेब ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू प्रयास किया गया कि लोगों के अंदर साइबर क्राइम को लेके, जो जिन लोगों को पता नहीं है साइबर क्राइम के बारे में, उनको अवेयर किया जाए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। आजकल ऑनलाइन ये कोविड के इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी फ्रॉड पाए जा रहे हैं। लोग बच्चों को, बुजुर्गों को कॉल्स आ रही हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो लिंक पे क्लिक करते हैं, लेकिन उन्हें फेक कॉल्स आ रही हैं, ओटीपी मांगे जा रहे हैं और फिर उनके अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ये वेबिनार स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर था, यही डिस्कशन थी कि लोगों को अवेयर करवाया जा सके कि ये जो ऐसे ओटीपी मांगे जा रहे हैं उनको ना वो डिस्क्लोज करें, और जो भी अपना स्टेप वो रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं उसके लिए पहले अपने आप को अच्छे से पूरी उसकी जांच कर लें, तभी वो उसको रजिस्टर्ड करें। और इसके साथ साथ बच्चों के पास भी आजकल मोबाइल होता है और कॉल्स आती हैं कि आप ओटीपी बताइए, तो बच्चे शेयर कर देते हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स को पहले इसके बारे में बताएं, तभी किसी के साथ उस ओटीपी को शेयर करें। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, जब तक आप प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं कर लेते, आप अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं कर लेते, तब तक आप अपनी पर्सनल डिटेल्स या अपनी अकाउंट डिटेल्स या ओटीपी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी शेयर ना करें।